सही कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ ना लगे सही में बहुत सुंदर। इसको बाहर मत निकलने देना, किसी को ना अंदर बाहर से अंदर मत आने देना। जो भी है ना सबको बोलना कि अभी थोड़ा देर वेट करो, दुल्हन तैयार हो रही है ठीक ना। हाँ बस हम दरवाजा खटखटाए तो बुला देना ठीक ना। हाँ दीदी हम कर दें, हाँ हम कर दें, हम सब करते हैं, हम सब संभाल लेंगे है ना, तुम टेंशन मत लो। हाँ तुम टेंशन मत लो। हाँ अरे हाँ बाहर सविता दीदी बैठी थी। हाँ हाँ चाची जी इनकी दीदी इनके जेठानी। हाँ तो हम पूछ दिए कहा दीदी काहे मुँह चढ़ा के बैठी है, गैस बना दिया है क्या? तो बोल रही है ना कि गैस नहीं बनाया, बहुत काम कर लिए ना तो थक गए हैं। कहा काम करा दी दीदी, सब काम उन्हीं से करा रही है क्या? समझ गए समझ गए, थोड़ा शांति रखिए शांति रखिए। देखते नहीं अपने खानदान वालों को ना, ये मेरी बहन पे चालू हो जाते हैं। हाँ इनको मेरी बहन सबसे सस्ता मिली हुई है कि बस स्टार्ट हो जाए उसी पर, और वो तो कुछ बोलने वाली है नहीं। रही दो आपका खानदान वाला भी बहुत बढ़िया नहीं है जी, समझ गए ना, हम सब जानते हैं उनके बारे में। एक नंबर का पापी आदमी है सब, सही में इतना बोलता है, इतना झूठ बोलता है, झूठ मूठ के मेरी बहन को गाली सुनाते रहता है। अरे इतना सर आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा ठंडा रखिए ठीक ना। इनको ए बिट्टू सुनिए, इनको कोल्ड ड्रिंक ला के दे पहले। हाँ सारा काम छोड़ के पहले इनको कोल्ड ड्रिंक दे दे, अपना दिमाग ठंडा रख लेंगे। हाँ जी जाइए हम समझ गए, थोड़ा आप चुप रहिए। अरे नहीं बउआ तुम्हारे मौसा जी भी कम नहीं है, समझ गया ना। वो तो यहाँ पर हम इनको भला फुसला के लाए हैं, सब अंडरस्टैंड करके लाए हैं कि यहाँ पर आके ऐसे रहना है। मेरे वहां पे जाके बेइज्जती मत कर देना मेरी दीदी के घर पे जाके। हाँ नहीं दीदी कम नहीं है, किसी के जो ना जा रहा है तो क्या मौसी माँ से कम होती है क्या? हाँ रो मत हर बात पर, हाँ चली जाएगी तो मेरी बेटी है ना, वो भी तो तुम्हारी बेटी हुई ना, बेटी का क्या होगा, तो चली ही जाएगी ना।